गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रभारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एकं नित्यं विमलयचलं सर्वदी साक्षीभूतं मामातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। एकाग्रता पूर्वक अपने आप को पूर्ण रूपेण यहाँ उपस्थित कर लीजिएगा और इस बात को समझें कि टू लर्न एनीथिंग यू नीड अ वेरी डीप कॉन्सेंट्रेशन। So, keep your mind here with me. And you are fortunate that you are sitting here because in this small hall, many are waiting outside desperately, but they couldn't get a seat. So you are here. Thank Lord. And now be with me. आज हम स्वामी ब्रह्मानंद जी का एक भजन ले रहे हैं और फिर उसी के आधार पर आगे की चर्चा चलेगी। अधिक हिंदी में बोलूँगी, कुछ अंग्रेजी में भी बोलूँगी। आई नीड टू अकोमोडेट यू नो बोथ पीपल एंड नो प्लास्टिक बैग्स मूवमेंट राइट एंड ट्राई नॉट टू मूव योर हैंड्स देन एवरीथिंग विल बी फाइन। Thank you.
आज सखी सतसंगत में मिल के हर के गुणगान करो, मिल के हर के गुणगान करो, मिल के हर के गुणगान करो, मिल के हर के गुणगान करो। आज सखी सतसंगत में मिल के हर के गुणगान करो, मिल के हर के गुणगान करो, मिल के हर के गुणगान करो। समान बड़ो कोई और उपाय नहीं जग में, कल में हरि नाम समान बड़ो कोई और उपाय नहीं जग में। सब पाप निवारण कारण है भवतारण है मन में सुमिरो, सब पाप निवारण कारण है अवतारण है मन में सुमिरो। आज सखी सतसंगत में मिल के हरि के गुणगान करो, आज सखी सतसंगत में मिल के हरि के गुणगान करो, 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 मिल के हरि के गुणगान करो। संत समागम ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान न मोक्ष मिले कब ही, बिन संत समागम ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान न मोक्ष मिले कब ही। कर ले तप तीरथ दान घने चहु दामन बीच बले बिचरो, कर ले तप तीरथ दान गने चौदा मन बीच बले बिछरो। आज सखी, आज सखी, आज सखी सतसंगत में मिल के हरि के गुणगान करो, आज सखी सतसंगत में मिल के हरि के गुणगान करो, 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 मिल के हरि के गुणगान करो। Thank you.
चराचर में परिपूर्ण चेतन ब्रह्म रूप सदा घट भीतर जान पहचान सही मन बीच निरंतर ध्यान धरो घट भीतर जान पहचान सही मन बीच निरंतर ध्यान धरो आज सखी सतसंगत में सतसंगत में सतसंगत में सतसंगत में आज सखी सतसंगत में मिलके हरि के गुणगान करो मिलके हरि के गुणगान करो मिलके हरि के गुणगान करो जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद 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 जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय कली में हरि नाम समान बड़ो कोई और उपाय नहीं जग में। कली मीन्स कलयुग। इस कलयुग में मुश्किल होगा मन को संयम करना, इंद्रियों को संयम करना, और मुश्किल होगा अपनी वासनाओं के ऊपर लगाम लगाना। तो ऐसे में फिर एक चीज जो बचती है, जिसमें एक सहजता के साथ आपके लिए मार्ग खुल जाता है, तो उसको कहा हरि नाम। सो द जर्नी बिगिंस फ्रॉम द हरि नाम। बट डोंट बी मिस्टेकन, द वे यू डू इट दैट इज नॉट द वे टू डू हरि नाम। जहां माला हाथ में फिरती है और मन दुनिया में फिरता है, इसको हरि नाम करना नहीं कहते। हरि नाम तब होता है जब आपका मन उस नाम से एकाकार हो जाए। मैनी पीपल थिंक दैट डूइंग द मंत्र इज द मोस्ट ईजी थिंग, सो वी डू ओनली दैट। वी डोंट वॉन्ट टू डू आसना अष्टांगा एंड दिस दैट, इट्स सिंपल फॉर अस, वी जस्ट डू द हरि नाम। बट दे हैव टोटली फॉरगॉटन, वे योर माइंड इज डूइंग द मंकी डांस अबाउट द वर्ल्डली स्टफ and your tongue is repeating the mantra is not called the mantra japam. It is only possible when your mind and the mantra becomes one. Like when you taste the food, then the food and the taste become one with your mind. That is how you relish your food. If somebody puts you in a comatose position and places all the rasgulle and malai chamcham on your tongue, you won't enjoy anything because there is no mind to enjoy that, right? जब हमारा मन जीभ पर रखी उस वस्तु को चखता है, तब मन को मजा आता है। तो मन और जीभ को एक होना पड़ता है। ठीक इसी तरह से जीभ पर रखा हुआ मंत्र और मन एक हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये नाम हुआ। इसका मतलब नाम जब जब कोई शुरू करे, तब करते समय मंत्र एक है, करने वाला अलग है, और जिसका नाम है वो ईश्वर अलग, तीन हो गए। यू द वन हु इज डूइंग द मंत्र,
Second is the mantra. Third is the Lord of whom you are doing the mantra. So there are three. And wherever there are more than three people, what happens? Even if it is family member, if it is more than, actually just another person is enough to create commotion and fight and Enikia. यहां तो तीन हो गए, मंत्र, ईश्वर और तुम, कमोशन. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट शुड बी आइडियली द सिचुएशन? द सिचुएशन शुड बी दैट द मंत्र एंड माइंड बिकम्स वन, देन दे आर टू लेफ्ट, योर माइंड एंड लॉर्ड. एंड देन द नेक्स्ट जंप शुड बी दैट द माइंड एंड लॉर्ड बिकम्स वन. कर ले तप तीर्थ दान गने चहु धाम न बीच बले विचरो. ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं आप चारों धाम चले जाइए, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री द्वारिका रामेश्वरम इत्यादि सब, ये सब कर लो. खूब दान करो, अच्छी बात है. खूब तीर्थों में जाओ, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन बिन संत समागम ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान न मोक्ष मिले कबो. आप चारों धाम घूम लो, दान कर लो, तीर्थ कर लो, लेकिन अगर संत समागम नहीं किया तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा. मोक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हम दोबारा पैदा ना हो. अगर ये बात हो तो जितने जन्म से संत हैं उन्होंने कौन से पाप किए जो फिर जन्म ले लिया उन्होंने. मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोक्ष. दे थिंक नॉट गेटिंग अनदर बर्थ इज मोक्ष. नो नो नो. व्हेन यू आर टोटली अवेकन्ड एंड एनलाइटन्ड, then this whole world is just a leela, the divine game, and you want to play the game because now you know the rules, right? So if anybody deserves to be born again, it is the Mahatma only, because they have learnt the rules of the samsara game. पर जिसको संसार के ये नियम नहीं पता है, जब वो लोग इस संसार के गेम को खेलते हैं ना, तो वो हारते ही हारते हैं. ये जो तुम्हारे माथे पर चिंता की रेखाएं बनी हुई ना, ये तुम्हारी हार की पहचान है. ये तुम्हारा डबल बाईपास तुम्हारी हार की पहचान है. Your rising blood pressures is the sign of your failure, that you have failed the game of life. A diseased body and mind is the sign of that you haven't played your game well. Kabir kehte jiyon ki tyon dhar dini chadariya, jini re jini. प्रभु आपने जैसा सुंदर शरीर और मन दिया था ना, मैंने बिल्कुल वैसे का वैसा रखा, उसे बिगड़ने नहीं दिया, और ऐसा ही सुंदर सुंदर तुझे वापस दूंगा. ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया. पर अज्ञानी आदमी तो अपनी चादर के इतने टुकड़े कर देता है कि चादर तो ढूंढे ही नहीं मिलेगी. वो कहेगा फाड़ फूड़ के दीनी चदरिया, धागा ना मिलो मोहे. धागा भी ना मिलेगा एक. दिल में अफसोस, लब पे आहें, जिंदगी की ये मेरी कमाई है. दिल में अफसोस, लब पे आहें, लब मतलब होंठ,
दिल में अफसोस लब पे आ हैं, ये मेरी जिंदगी की कमाई है, ये कमाई करता है। और फिर वो कहता है कि मज़ा नहीं आया, तो प्रकृति कहती चल बेटा चल दोबारा फिर पहुँचो, खेलो फिर से खेल, फिर जन्म लो। बिन संत समागम ज्ञान नहीं, वेद का वचन है रीते ज्ञानान मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं। मोक्ष मतलब अपने अज्ञान से छूट जाना मोक्ष है। When you are not bound with your ignorance, this is moksha. When you are not a slave of your mind or your senses, that is moksha. When no amount of difficulties can boggle you down, or put tears in your eyes, or sighs on your lips, that is the sign of being mukta. Bondage free. लेकिन संत समागम तक पहुंचने की जो सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी थोड़ा मुश्किल से मिलती है। बुरा ना मानो, लोग मंदिर में भी इसलिए थोड़ी प्राय आते हैं कि मंदिर में जाएंगे तो सत्संग मिलेगा। वो बहुत बार होता है मंदिर में जाएंगे तो लंगर मिलेगा।